ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सिद्धे जिनिन्दचन्दे आयरिय उवच्छाय साहुगणे वंदीय सम्मदंसन चरितलद्धिं परुवेमो। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित ये लब्धिसार नामक ग्रंथ है और उसकी जो टोडरमल जी द्वारा लिखित जो ढूंढारी टीका है उसी का हिंदी अनुवाद हम देख रहे हैं। यहाँ पर अपना विषय शुरू करने के पहले कुछ प्रश्न आए हैं उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं कि 10 नंबर पर हमारा पाप का उदय आने वाला है और 1 और 9 नंबर तक हमारे शुभ भाव हुए, सो उस 10 नंबर पाप के उदय में संक्रमण होगा क्या? तो यदि ऐसा होगा तो 10 नंबर पर शुभ भाव होगे तो 11वें नंबर पर चला जाएगा, फिर 11वें यानी शुभ भाव करने वाले को कभी पाप का उदय ही नहीं आएगा। बंध जो है वो सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है। हाँ, ऐसा होता है कि जिस काल में साता वेदिनी का बंध हो रहा है उस काल में असाता के कुछ परमाणु सातारूप परिणमित होते, पूरी की पूरी असाता टन हो गई सातारूप हो गया ऐसा नहीं, वो सत्ता में पड़े हुए की बात है। उदय तो हर अंतर्मुहूर्त में नियम से पलट पलट कर साता से असाता असाता के साता होता ही रहता है। जैसे बंध भी पलट पलट कर होता रहता है वैसे उदय भी पलट पलट कर होता ही है, भले वो स्वर्ग का देव भी क्यों न हो। अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में साता से असाता असाता से साता उसका उदय भी चलता है, बंध भी उसमें साता असाता का होता रहता है। नारकी भी क्यों न हो, भले सातवें नरक का नारकी भी क्यों न हो, उसके भी साता और असाता का उदय पलट पलट कर अंतर्मुहूर्त में होता ही होता है। हाँ, तो हमें वो उदय पलटने की क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हम पाप का बंध तो किया था। हाँ, सत्ता में पड़े कहाँ से आए? सत्ता में बांधे किसने? हमने बांधे, पर हम उसका फल नहीं चाहते। हम अभी शुभ भाव करके कैसे भी वो पाप का उदय है वो टर्न हो जाए पुण्य रूप हो जाए, यानी हम देखो हमें तो भेद ज्ञान करना है, भले पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो वो अपने को कुछ नहीं करता है, हमने तो वो पुण्य का फल चाहा है। पुण्य भले करे या नहीं करे, वो पाप भी किया है उसका संक्रमण हो जाए और हमको पुण्य मिल जाए, ये हम यहाँ अभिप्राय टटोलना हो, ये तो यानी सामान्य रीति से प्रश्न पूछा है मुझे पता है, परंतु हम वो पाप का उदय को टालकर पुण्य कैसे हो जाए इसके सोचते हैं, क्या ये हो सकता है? ऐसा प्रश्न है हमें। हमें तो जो कोई संयोग है वो तो संयोग तो संयोग में है, अरे शरीर भी अपने से भिन्न है तो ये संयोगों की बात है, वो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है। संयोग इष्ट है या अनिष्ट है ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। तो पाप का उदय कहाँ क्या कार्य करेगा? हाँ, ये ज्ञानावरणादि को पाप कहो तो ठीक है, तो उसका उदय बदल कर हीन हो सकता है, वो तो पाप बदल कर पुण्य तो नहीं हो सकता। हाँ, तत्व विचार के काल में उसका जो उदय है वो कैसे हीन होता है या जिज्ञासा के काल में, वो बात अभी आएगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। सत्ता में से और पूरा का पूरा कर्म परमाणु अन्य रूप हो जाए, हाँ वो कहीं कहीं बनता है, परंतु उसकी बात जब उसका विषय आएगा तब होगी, क्योंकि सभी प्रकृति पूरी प्रकृति संक्रमित होकर नष्ट हो जानी जिसको क्षय की क्रिया कहते हैं वो तो आगे चलकर होती है। वो क्षायिक सम्यत्व में या अनंतानुबंधी के विसंयोजना में हम देखेंगे, उसका विषय आगे आएगा। देशना लब्धि ज्ञानी पुरुष से होती है, यहाँ ज्ञानी पुरुष कौन से वो देशना लब्धि में देखेंगे, और उसकी कोई ऐसी लिस्ट पब्लिश नहीं होती है। एक जीव संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भव में मिथ्यात्व के वश होकर एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध करता है
हाँ, ये अभी कोड़ा कोड़ी देखा, सागर देखा नहीं था हमने, कभी देखेंगे। बाद में आयु पूर्ण करके एक इंद्रिय में पैदा हुआ, तब वह मिथ्यात्व से दर्शन मोह का एक सागर का बंध करता है। तब अगला बांधा हुआ यानी पूर्व में बांधा हुआ बंध किस तरह से उदय में आएगा, वो सत्ता की स्थिति कहलाएगी। सत्ता में वो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर रूप से बनी रहेगी और उसका उदय हर समय चलता रहेगा। नया बंध होगा वो एक सागर का होगा, तो पुराने जो बंधे हुए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, हो सकता है उसकी स्थिति कांडगात बहुत लंबे काल तक एक इंद्रिय में रहने वाले के होते हैं, परंतु वो विषय अलग है। परंतु वो परमाणु कहीं खिर नहीं जाते, वो सत्ता में पड़े रहते हैं। किस प्रकार कर्म का फल सत्तर कोड़ा कोड़ी का भोगेगा? बिल्कुल, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक वो विद्यमान रहेगी तो उसका फल भोगेगा। और वो एक इंद्रिय में ज़रूरी नहीं है कि वो लंबे काल तक रहे, कोई जीव अनंत काल तक भी रह सकता है। कोई जीव यहाँ सत्तर कोड़ा कोड़ी का बंध किया, एक इंद्रिय में चला गया, एका दो भाव करके वापस चला आया, त्रस में आया या पंचेंद्रिय में आया, ये भी हो सकता है। तो उसका उदय लंबे काल तक चलने में कोई रुकावट नहीं है। एक प्रश्न है, आयु कर्म में अपकर्षण किस कंडीशन में होता है? यह आठ अपकर्ष काल के अलावा काल में होता है, असंक्षेपदा काल में भी अपकर्षण हो सकता है क्या? अपकर्षण से क्या मतलब है? देखो, अपकर्षण होने का अर्थ क्या हमने देखा था? स्थिति कम होना, ऊपर के कुछ परमाणु नीचे आ मिलते उसको अपकर्षण कहते हैं। और जो घातायुष्क जिसको कहेंगे, घातायुष्क किसको कहना? जिन्होंने अधिक आयु बांधी है और ऊपर के सभी निषेकों का घात होकर नीचे के निषेकों में परमाणु मिलेंगे। परमाणु अभी जाएंगे तो नहीं छोड़कर, क्योंकि घातायुष्क कब होता है? इस भव में जो हम आयु भोगते हैं उसको कहेंगे, ये जो हम भोगते हैं ना भुज्यमान आयु, और जो हम बांधते हैं वो बध्यमान आयु। तो हमने इस भव में आगामी भव की एक आयु बांधी, मान लेते देव की बांधी। कितनी बांधी? 33 सागर की बांधना चाहते हैं? हाँ, मुनियों के बंधेगी, कोई बात नहीं, किसी मुनि ने 33 सागर की आयु बांधी। अब उस जीव ने ऐसे कुछ परिणाम बिगड़ गए तो क्या हुआ? दोबारा आयु का बंध नहीं किया, परिणाम बिगड़ गए तो जो बंधी हुई आयु है उसके जो, क्योंकि उसका उदय तो कब होगा? जब नेक्स्ट भव में होगा। अभी तो उनका जीवन चल रहा है, मुनियों ने 33 सागर की आयु बांधी और उनके परिणाम बिगड़ गए तो क्या हुआ? वो 33 सागर की आयु के जो ऊपर के निषेक थे, अभी कितने बचे, कितने रखना चाहते हैं 33 सागर में से? कहाँ तक नीचे लाना चाहते हैं? हाँ, आधा सागर कम, अरे 10,000 वर्ष की रह जाती है। 33 सागर की बांधी हुई आयु भी 10,000 वर्ष तक घातायुष्क हो सकती है। ये जो 18 सागर साधिक घातायुष्क वाले हैं, वो घटकर वहां तक के घातायुष्क होते, ऊपर के घातायुष्क नहीं होते, उसकी बात है। ये महाबंध में है लिखा हुआ है, मैं मन की बात नहीं, अपनी मन से कोई बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मन से बात नहीं कर रही हूँ, आगम के आधार से बोल रही हूँ। उत्कृष्ट आयु का बंध 33 सागर का है, तो उसमें ऐसा कहते किसी ने उत्कृष्ट आयु बांधी है तो उसमें फिर दोबारा वो देव की उत्कृष्ट आयु बंधेगा, इसमें जघन्य अंतर कितना हो सकता है, इससे हम उसको डिराइव करते। तो किसी ने 33 सागर की उत्कृष्ट आयु बांधी, फिर घातायुष्क हुआ, 10,000 वर्ष की आयु भोगी, फिर मनुष्य में आया और फिर मुनि होकर 33 सागर की आयु बांधी, तो ये उसका मिनिमम अंतर हो सकता है 10,000 वर्ष पर, और फिर मनुष्य का एक छोटा भव, जैसे 8 साल से थोड़ा ज़्यादा होगा, तब उन्होंने फिर आयु बांधी। मुनि ही बांधते हैं 33 सागर की आयु, तो मुनि ही बांधते हैं, और वो तो भावलिंगी ही मुनि बांधेंगे, फिर भी परिणाम ऐसे बिगड़ सकते हैं कि उनकी घातायुष्क होकर 10,000 वर्ष की रह सकती है। देखो, शास्त्र में तो अपने खजाना है, क्या क्या माल भरा है हमको मालूम ही नहीं है ना। मिनिमम आयु रह गई अभी 10,000 वर्ष, यानी भवनत्रिक में गए कहीं पर, ज्योतिषी में भी नहीं। हाँ, वही असुरेंद्र कैसे होते हैं, यानी भवनवासियों के इंद्र कैसे होते हैं, वो इंद्रों की भी आयु ज़्यादा होगी, पल्लों में कुछ होगी,
परंतु ये 10,000 वर्ष की हो जाती है। जैसे अभी वो द्वीपायन की भी बात आती है ना, अग्नि कुमार में जन्म लिया उन्होंने, तो उनके भी घातायुष को होकर वहाँ चले गए। ये हाँ क्या क्या क्षोभशम सम्यक दृष्टि रहेगा क्या? क्षायिक सम्यक दृष्टि तो 10,000 वर्ष की आयु करेगा नहीं, भवनवासी में उत्पन्न होगा नहीं, ख्याल में है ना? हाँ करेगा, क्योंकि नरक की मिनिमम आयु सम्यक दृष्टि के 84,000 वर्ष होती है, उससे कम नहीं हो सकती है, वो 10,000 वर्ष की नहीं बना सकता है। ये बहुत सारे नियम है, कहाँ कौन सी कितनी होती है, कौन से जीवों के होती है, अभी हम उसमें नहीं उलझेंगे। हाँ अपनी बात, यहाँ आपका प्रश्न कुछ अलग ही है। सामान्य अपकर्षण जिसको हम कहेंगे ना, नीचे के नीचे को में आ मिलना, ऐसी बात जब वो नेक्स्ट भव में चला गया तब उसमें होगा। यहाँ तो वो घातायुष के रूप अपकर्षण आदि होता है, इन्हें घातायुष कहने, वो निषेक कट डाउन हो गए और उसकी आयु कम हो गई, इसको घातायुष कहेंगे। वो किसमें होते? जो बंधी है आयु उसमें होती है। अभी हम जो भोग रहे हैं आयु, हम भोग रहे तो जिस समय से हमारा उदय आयु का कब शुरू हुआ है, हम अन्य भव से आए यहाँ पर, तो पहले विग्रह गति के पहले ही समय से हमारे मनुष्य आयु का उदय शुरू हुआ। तो जिस समय से आयु का उदय हुआ है उसी समय से अपकर्षण भी चल रहा है और उदीर्णा भी चल रही है, यानी थोड़े थोड़े परमाणु ऊपर के निषेकों में से, वो निषेक तो अपनी सत्ता बनाई रखता है, उसमें अभी कोई कट डाउन नहीं होगा, आयु जितनी बांध कर आए उतने तो रहेगी ही रहेगी। और उसमें से कुछ परमाणु नीचे आते हैं, जल्दी उदय में आते हैं, उस उदीर्णा से कुछ अपने में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे तो सहज रूप से होगी, जब अंतिम एक आवली बाकी रही आयु की, तब तक ऐसी उदीर्णा तो होती ही रहती है, उससे कुछ विशेष यानी जीव को कुछ फल मिलता है ऐसी कोई बात नहीं, हुई कर्मों की ऐसी विशेषता है, उसको भी अपकर्षण ही कहेंगे। वो अपकर्षण अलग बात है, घातायुष वाला अलग बात है। उत्कर्षण तभी होता है जो बनती है आयु, तो पूर्व में ऑलरेडी बंधी है और नेक्स्ट दोबारा अवसर आया बांधने का, तब उसने मान लेते पहले में एक सागर की बांधी और दोबारा 10 सागर की बांधी, तो कितनी सागर की आयु भोगेगा? 1+10 नहीं भोगेगा, 10 सागर की आयु भोगेगा। समझ में आई बात? हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने अभी कहा कि 84 सागर की आयु 84,000 तक ही रहती, मतलब उससे कम नहीं, उससे कम नहीं हो सकता। हाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो, बाद में क्षायिक हुआ ना, पहले तो मिथ्या तो अवस्था में नरकायु बांधी थी, बाद में सम्यक तो हुआ, बाद में परिणाम कुछ ऐसे हो गए कि वो बंधी हुई जो आयु है वो कट डाउन हो गई, घातायुष को हुई, वो तो आयु निकल जाए नरकायु का मनुष्य हो जाए ऐसी तो कोई बात नहीं बन सकती। आयु में कोई संक्रमण नहीं होता है, जो बांधी आयु तो भोगनी ही है। हाँ श्रेणिक राजा हर समय काम आते हैं, हमें जब तीर्थंकर बनेंगे तब तो काम आएंगे ही गाएंगे। एक है भरत चक्रवर्ती, एक है श्रेणिक राजा, हाँ दोनों का उदाहरण बहुत बार काम आता है। 84,000 से कम नहीं, नहीं 84,000 मिथ्या दृष्टि 10,000 वर्ष की कर सकता है, मिथ्या दृष्टि कर सकता है, जो बाद में मिथ्या सम्यक दृष्टि हुआ है ये नक्की करना। मिथ्या दृष्टि ही नरकायु बांधता है, सम्यक दृष्टि नरकायु बांधता ही नहीं, ना नरक गति बांधता है ना नरकायु बांधता है। हम देखेंगे अभी सम्यक तो होने के पहले से कितनी प्रकृतियाँ बंधना रुक जाती है, फायदा ही फायदा है, हमें पता ही नहीं है कहाँ क्या फायदा है। हाँ आयु बांध नहीं रहा है, सर्वार सिद्धि में गया नहीं है, किसी मुनि ने सर्वार सिद्धि की आयु बांधी, परिणाम बिगड़ गए, मिथ्या दृष्टि हो गए, तो क्या होगा? 10,000 वर्ष तक की भी वो घातायुष करके 10,000 वर्ष भी बना सकता है, और एक दो नहीं अनेक उसके लिए प्रूफ है। हाँ हाँ हो सकती है, बढ़ सकती है, परिणाम के भरोसे ये हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आयु को बंद ही करना है कि चलो आगे जाए? हाँ आगे बढ़ना। आयु के बारे में बहुत कंफ्यूजन भी है और बहुत उत्सुकता भी है, जिसको कहेंगे कुतूहल है कि क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। हाँ आयु बांधना चाहते हैं, कौन सी आयु बांधना चाहते हैं, यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, पहले मैं नक्की करो।
महाविदेह में, वो भी सिमंदर भगवान चाहिए, दूसरे कोई नहीं चले, जुगमंदर हाँ बाहु सुबाहु कोई नहीं चले, क्योंकि वो एक सिमंदर भगवान ही हमारा कल्याण करने वाले हैं, ऐसा हमने मान रखा है, क्योंकि हमने निमित्त नक्की कर दिया ना। यहाँ से कर्मभूमि का मनुष्य मरकर जो विदेह में जाएगा वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही जाएगा, यानी वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना चाहता, वहाँ जाकर करना चाहता है। तो वहाँ पर भी 5 म्लेंच खंड और 1 आर्य खंड होता है हर विदेह में, तो बाय चांस वहाँ म्लेंच खंड में उत्पन्न होगा तो क्या होगा, सम्यक तो कभी चांस नहीं। यानी हम अभी जो उपलब्ध है वहाँ अपना कल्याण नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, रुचि नहीं है, तो भविष्य का वादा करते हैं, नहीं इस बार शिविर में आना नहीं है, हम नेक्स्ट बार आएंगे। अरे हम नेक्स्ट बार हम जीवित रहेंगे क्या नहीं रहेंगे क्या पता, आपकी तो गारंटी है, भले आपको आयु की गारंटी है। यानी जब चांस है तब नहीं चाहते, ये जो मोक्ष मार्ग है, जो अपना कल्याणकारी मार्ग है, हम बहाने बनाते हैं संयोगों की। हमने तो ऐसा भी सुना, वहाँ अच्छी व्यवस्था होगी भोजन की रहने की तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे आज तो इतनी सुविधा की है यहाँ के ये लोगों ने, सारे ट्रस्टियों ने, आप इमेजिन नहीं करेंगे। तो हम जब जाते थे शिविरों में, जो कोई प्रशिक्षण शिविर होते थे, ये बच्चों को लेके जाते थे, और रहने को भी जगह नहीं होती थी, ऐसे खुले में कहीं रहना पड़ता था, या एक एक हॉल में 150 लोग रहते थे एक साथ, ना कोई यानी बाथरूम की व्यवस्था बराबर होती थी ना किसी, ऐसे ऐसे अवस्थाओं में भी, ये यात्रा में भी हम गए थे कहीं पर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उतार देते थे, एक शतरंजी आप बिछा दो और उसके ऊपर अपना जमा दो। ये हमें तो सभी सुविधा पहले चाहिए, और बाद में हम हाँ फिर सोचेंगे आना कि नहीं आना। कितनी असुविधाओं में हमने कितने भव बिताए हैं, और अभी ऐसे परिणामों में कौन सी असुविधा में जाकर पड़ने वाले हैं, इसका कभी विचार नहीं आता, क्योंकि परिणामों का फल तो निश्चित रूप से भुगतना ही है। हाँ देखो, अभी क्या हुआ था कि गत फरवरी के एंड में इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी और उनको एडमिट किया था, और बहुत कोशिश के बाद भी ये बहुत यानी सीरियस हो गए थे, और बाद में हमने वो होशंगाबाद, भोपाल और विदिशा का प्रोग्राम था, थ्रू आउट 10-10 दिन का, हर जगह महीने भर का प्रोग्राम था, रोज का 6 घंटे का, मेरे 3 घंटे, इनके 3 घंटे, तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा। ये हमारे भोपाल वाले अशोक भाई ने बताया, अच्छा 6 तारीख को उनका नहीं होता, हम डायरेक्ट आपको भोपाल बुलाते, उन्होंने टिकट दूसरी रिजर्व की हमारी, तो 13 तारीख को निकलना था, उस दिन भी फिर दोबारा अटैक आया, वो भी नहीं हुआ, तो तीनों ही प्रोग्राम कैंसिल हुए। तो वहाँ एक माधुरी डॉक्टर है भोपाल में, उनका फ़ोन आया, तो अरे हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम शिविर अटेंड किए, पर ये भी ये नक्की हुआ जब चांस है तभी उसको उसका लाभ लेना चाहिए। हम तो भविष्य में डाल देते ना, इस बार तो हमारे कुछ असुविधा है, घर में ये है वो है वो है, अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम कब आएगा। गुरुदेव थे तभी ऐसा होता था, अरे इस बार तो कुछ नहीं जम रहा है, अभी नेक्स्ट टाइम। अरे पर गुरुदेव जब हमारा संयोग हुआ तभी उनकी उम्र 86-87 थी, तो वो कितने साल तक हमको उनका योगदान मिलने वाला था, तब ये नहीं विचार आता था, अरे नेक्स्ट साल जाएंगे, अभी तो कुछ गड़बड़ी चल रही। तो जब हमें इसका मिलता है, योग मिलता है, सुविधा अवसर मिलता है, तभी उसको सुनना समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लौकिक तो अड़चने तो चलती रहेगी, उसके लिए कोई एंड नहीं है। तो अभी हम ये बात देख रहे थे, 5 लब्धिपूर्वक सम्यक तो होता है। 5 लब्धियों के नाम भी हमने सुने, आपने सुने कि नहीं, अब बोला बताओ। हाँ हाँ, देश देशना लब्धि, हाँ हाँ, आप कोई प्रॉम्प्ट नहीं करना, बच्चों को बहुत आता है, हाँ वाशिम से आई हूँ ना, हाँ बहुत अच्छा, ये सारे बच्चे बहुत तेज होते हैं, हाँ मुझे तो बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा रस आता है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो अपनी अपनी मान्यता पक्की करके बैठे हैं यहाँ पर, बदलना नहीं चाहते, हमें तो कोरी स्लेट वो पार्टी चाहिए, हाँ
देखो देखो, अभी हम क्षोभम लब्धि किसको कहेंगे उसको देखेंगे। ये लब्धि सार ग्रंथ है ना, उसमें 4 नंबर की गाथा है, 42 नंबर के पेज पर है, पेज नंबर 42, लब्धि सार ग्रंथ, वो बड़ा ग्रंथ। कम्ममल पड़ सत्ति पड़ी समय मणंत गुण विहीन कमा हो दूणु दीर दी जदा तदाख ओव समलब्धि दू। यानी क्षोभम लब्धि कब कहना, किसे कहना, उसकी यहाँ बात है। उसको हम हिंदी, सरल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, पंचलब्धि पुस्तक निकालना, पृष्ठ संख्या है 68। गुजराती बता देना जरा नीलेश भाई, 65, हाँ, जहाँ वो 6 नंबर का पत्रांक चालू होता है उसी पृष्ठ पर है, नीचे के पैराग्राफ में मिला। देखो हम इसको पढ़ेंगे। एक क्षोभम लब्धि की परिभाषा है, डेफिनेशन है। क्षोभम लब्धि किसे कहना, उसकी बात है। और ये वो लब्धि है कि सम्यक्त्व के पूर्व जो 5 लब्धि होती है, अंतर्मूर्त काल पहले जो जीव के परिणामों की बात है, यहाँ पर कर्मों की अवस्थाओं की बात है, उसकी यहाँ चर्चा। तो देखते क्षोभम लब्धि किसे कहना है। तो देखो, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की, ये कौन कौन से कर्म अप्रशस्त होते हैं, हमने देखी थी लिस्ट। सभी घाती तो अप्रशस्त ही है, और अघाती में भी प्रशस्त अप्रशस्त भेद हमने देखे थे। तो क्या होता है इस काल में, क्या बातें होती है। तो ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग, जिस काल में नहीं, जिस अंतर्मूर्त काल में समय समय प्रत्यने एवरी समय, प्रति समय, समय कितना सूक्ष्म है हमने देखा था, 1 सेकंड हमें मालूम है, उसमें तो हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है, और एक एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते, तो एक समय इतना सूक्ष्म है, ये तो अंतर्मूर्त भी अपने ख्याल में नहीं आता, इतना छोटा हो जाता है, ये समय तो बहुत सूक्ष्म है। तो प्रत्येक समय में क्या होता है, प्रति समय अनंत गुणा घटता, अनंत गुणा घटता का अर्थ होता है अनंत वे भाग होकर, नहीं समझे, जैसे 64 संख्या है, 64 संख्या को 4 गुणा घटता कहेंगे तो उसका क्या है, उसको 4 गुणा नहीं करना, गुणा घाटी या गुणा घटता का अर्थ उसके 4 से भाग देना। देखो 16 होगा, 16 का 4 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 64, और 16 को 4 गुणा घटता कहेंगे तो 4। यहाँ क्या रहे कह रहे, अनंत गुणा घटता, यानी जितना अनुभाग एक समय में है, दूसरे समय में वो अनुभाग अनंतवे भाग होकर उदय में आएगा। सत्ता में बड़े कैसे भी पड़ा हो, यहाँ उदय की बात चल रही है। इस अंतर्मूर्त काल में, अंतर्मूर्त में भी असंख्यात समय होते हैं, और एक समय में अनंतवा भाग हुआ, दूसरे समय में उसका भी अनंतवा भाग होकर उदय में आया, तीसरे समय में उसका भी अनंतवा भाग होकर उदय में आया, चौथे समय में और उसका अनंतवा भाग होकर उदय में आया। तो प्रति समय अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षोभम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है। ये सहज रूप से ऐसी बातें बनती है, जिसको सम्यक तो होना है अंतर्मूर्त में, या जिसको नहीं भी होना है, जो 4 लब्धि भी एक साथ होती है, या हम एक एक लब्धि का क्रम से वर्णन देख रहे हैं, परंतु बाद में हम ये बात देखेंगे, घटित भी करेंगे, तो जिसके देश ना मिले और जो तत्व विचार में लग जाता है, उस काल में उसकी चारों ही लब्धि एक साथ चलती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सभी जो अप्रशस्त कर्म है, ज्ञानावरणादि, यानी क्या, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनीय में मिथ्यात्व को भी लेना, चारित्र मोहनीय को भी लेना, उसकी भी शक्ति यानी अनुभाग अनंत गुणा घटकर यानी अनंतवा भाग हो कर उदय में आता है, यानी मिथ्यात्व भी हीन 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 होकर उदय में आ रहा है। अभी वो जाएगा नहीं अभी, क्योंकि अभव्यों को भी हो सकता है, चारित्र मोहनी है वो भी मंद अनुभाग होकर उदय में आ रहा है, तो कर्मों का अनुभाग मंद होकर उदय में आ रहा है, तो यहाँ जीव के भी परिणाम कैसे हो गए, मंद कषाय की तरफ चले जाएंगे। अभी हम एक ही उसकी बाजू देख रहे हैं कि अनुभाग मंद होकर उदय में आने लगा। ज्ञानावरण का आवरण मंद हो रहा है, उसका अर्थ क्या है, ज्ञान खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है, हाँ बढ़ रहा है,
तो जो तत्व निर्णय में जो अभी तत्व निर्णय की बात तो आगे आएगी, अभी तो सामान्य रूप से उसके बस ज्ञानावरणादि अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रत्येक समय में जितना है उसका अनंतवा भाग होकर उदय में आता है, नेक्स्ट समय में उसका अनंतवा भाग होकर उदय में आएगा, उसके नेक्स्ट समय में उसका अनंतवा भाग होकर उदय में आएगा। ये जो पोजीशन जहाँ बनती है उस समय उस जीव को कहेंगे इसकी क्षोभशम लब्धि चल रही है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान अवस्था में नहीं, अभी तो सामान्य रूप से बात चल रही है, अभी तो देशना भी मिली नहीं है, ध्यान किसका करेगा। देशना मिलने के बाद भी पहले ध्यान में चढ़ जाता है, वो बाद में आएगी, क्या करें, हमारी बहुत सारी भ्रमणाएं चल रही है। हम चाहते तो समय दर्शन और मोक्ष मार्ग प्रकट करना, जैसे हम देखते हैं ना जिसको कोई साधारण आदमी है चाहता है ठीक होवे, हमने ऐसे भी देखे जब प्रैक्टिस करते थे कोई जल गया तो जो सूझता है वो करता है, कोई स्याही लगाता है, कोई क्या क्या क्या, क्या करता है, अपने मन से जो चाहे वो करता है, क्यों ठीक होना चाहता है, तो उसमें तो कितनी तो केस बिगड़ जाती है, अपने मन से कुछ ना कुछ इलाज करता रहता है, ठीक होने के उद्देश्य से करता है। ऐसे ही हमें तो मोक्ष प्राप्त करना है, समय दर्शन प्राप्त करना है, जो मन में आए वो इलाज करता रहता है, तो सही इलाज करे, सही उपाय करे तो सही मार्ग भी मिल जाए। इसलिए हमें सही उपाय क्या है उसको देखना है, समय दर्शन होता है उसके पहले क्या क्या बातें होती ही होती है उसकी यहाँ चर्चा है। ये कर्मों की अवस्था तो जीव के कारण है, परंतु जीव में ऐसी कुछ मंदता होती है सहज रूप से, तो उस काल में ये इन कर्मों का अनुभाग भी अनंतवा भाग होकर उदय में आता है। कर्मों की तरफ कर कह रहे हैं हम, उसकी तरफ से तो वो कर्मों की बात है। अब क्योंकि वो नहीं, कर्मों ने ऐसी जगह दी तो हमें कैसे होगा, हमारी क्षोभशम लब्धि कैसी होगी। क्षोभशम लब्धि ये कर्मों की अवस्था नहीं है, पांचों ही लब्धियाँ जीव की अवस्था के नाम है। सभी लब्धियों जीव की परिणामों में घटित करना है, वो जीव की अपनी अवस्था है, वो अवस्था बताने के लिए कर्मों के आधार से हम उसका कथन कर रहे हैं। उस काल में कर्मों में क्या हो रहा है, तो सभी जो अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग है, वो अनंत गुणाहीन होकर, उसका अर्थ होता है अनंत वे भाग होकर प्रति समय अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग होकर उदय में आता है। ख्याल में आती है ना बात। अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पेज देखो, अभी 69 पेज हिंदी में अनंत गुणा घटता का अर्थ समझ लो, हमने देख ही लिया फिर पढ़ लेते। जब किसी संख्या का अनंत गुणा कहेंगे तो उसे अनंत से गुणा करना, और जब उसका अनंत गुणा घटता या अनंत गुणा घाटी कहेंगे, ये टोडरमल जी साहब ने घाटी शब्द है, अनंत गुणा घाटी ढूंढारी भाषा में कहते थे, तो अनंतवा भाग समझना। ये उदाहरण अभी हमने देखा था, मान लो 16 संख्या 4 गुणा कहेंगे तो 16 गुणा 4 64 संख्या होगी, और यदि 16 संख्या को 4 गुणा घटता कहेंगे तो 16 कब 4 से भाग देंगे 16 को, तो 4 संख्या रहेगी। अब देखिए, जीव ने पूर्व में बांधे हुए और सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग घटता जाता है, और उदय किस रूप में होता है उसकी बात यहाँ विशेष है। प्रति समय पूर्व अनुभाग से अनंतवा भाग रूप रह जाता है, उदय में आते समय भी अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। यहाँ केवल यानी मात्र सिर्फ अप्रशस्त कर्मों की ही बात है, प्रशस्त कर्मों की नहीं। अप्रशस्तों का अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है। पहले हमने अप्रशस्त कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी, याद है कि भूल गए हैं, निकालो जरा, पेज नंबर है आप में, अप्रशस्त कर्म और प्रशस्त कर्मों की लिस्ट देखी थी हमने, देखो पेज नंबर 48, वहाँ एक लिस्ट दी है ना, घाती कर्म सभी अप्रशस्त है, अप्रशस्त ने पाप रूपी है। अघाती कर्मों में दो दो भेद किए थे, प्रशस्त और अप्रशस्त, वहाँ तो नामों के लिए वो बात लिखी थी, हमने इतना ही देखना है उसमें से, वो स्पर्धकों के नाम अभी हमें नहीं देखना है, और जो प्रशस्त अप्रशस्त की लिस्ट और भी आगे भी दी है अपनी, हाँ 58 पेज पर चले जाओ,
हाँ 39 है हिंदी में, वो नाम कर्म है, और यहाँ 36 गुजराती, 38 हिंदी। देखो घाती कर्म सभी पाप रूप है, हमने देखी है। यहाँ आघाती कर्म का एक चार्ट बनाया है, उसमें प्रशस्त प्रकृति एक ओर लिखा है, दूसरी ओर लिखा है अप्रशस्त प्रकृति। प्रशस्त प्रकृतियों में कौन से आया, देखो साता वेदनिया, शुभ आयु, इसमें देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु होती है, शुभ नाम कर्म और उच्च गोत्र, ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। और अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं असाता वेदनीय, वहाँ ऐसा कहेंगे असाता वेदनीय आदि, साता आदि, ऐसा आगे कहेंगे तो आदि में जो यथायोग्य समझ लेना। अशुभ आयु, ये नरकायु है, अशुभ नाम कर्म है और नीच गोत्र है। नाम कर्म में केवल हमने शुभ अशुभ इतना ही देखा, जिसको इंटरेस्ट है ज़्यादा डिटेल में तो देखो ये नेक्स्ट पेज पर 39 पृष्ठ पर, यहाँ नाम कर्म में भी शुभ और अशुभ जो भेद है उसको गिनाए हैं। गति नाम कर्म चार प्रकार का है, उसमें से देव गति और मनुष्य गति तो शुभ है और दो अन्य गतियाँ अशुभ है। आयु में तो तीनों को शुभ में लिया था हूँ। जाति में पंचेंद्रिय जाति वो शुभ प्रकृति है, अन्य चार जाति वो अशुभ प्रकृति है। सभी शरीर, सभी बंधन, सभी संघात, सभी अंगोपांग शुभ है। स्पर्शादि में दोनों होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण जो है शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। संस्थान में जो पहला नंबर का है समचतुरस, वो शुभ है, बाकी पांच अशुभ है। सहनन में भी वज्र ऋषभ नारा सहनन, वो शुभ है, बाकी अशुभ है। अनुपूर्वी गति के अनुसार है, विहार गति के तो नाम में ही है प्रशस्त अप्रशस्त। ये अग्रु लघु परघात उच्छ्वास शुभ है प्रशस्त है, उपघात वो अप्रशस्त है। आतप उद्योत दोनों ही प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। त्रसादि, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, ये शुभ है, और उसका अपोजिट स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, यह प्रशस्त है। स्थिरादि, स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदय और यशस कीर्ति, ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, और उसके जो अपोजिट है वो अप्रशस्त है। तीर्थंकर तो प्रशस्त ही है ना, हम सब बांधना चाहते हैं ना, चाहने वाले को नहीं बनते। निर्माण भी प्रशस्त है, विश्व में अभी वर्तमान में कितने जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधते हो गए। हाँ हाँ फिक्स है ना, 24 ही बांधे हो गए, असंख्यात। अरे पहले नरक में भी, दूसरे नरक में भी, तीसरे नरक में भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले अभी वर्तमान में है विद्यमान। सौधर्म से लेकर ऊपर तक सर्वार सिद्धि में तो संख्यात ही होते हैं, बाकी सब देवों में असंख्यात होते हैं, तो वहाँ भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे और वहाँ से आके तीर्थंकर हो गए, है ना। नरक की बात बताई ना, उसमें भी है तीर्यंच कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधते, मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं, उनमें तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले भी संख्यात ही हो गए, है। अभी हम आगे देखते हैं, अपना विषय तो क्षोभम लब्धि का चल रहा है। 69 पेज पर आना, देखो दूसरा तीसरा पैराग्राफ, सर्व घाती कर्म अप्रशस्त ही है, अभी हमने वो देखे और हमने उसके स्थान भी देखे, स्पर्धकों की अपेक्षा उसके जो नाम बताए थे उसको भी देखा था। घाती कर्मों के नाम याद है ना कि भूल गए, घाती कर्मों में स्पर्धकों के नाम क्या देखे थे, हाँ ऊपर से नीचे देखना है तो शैल, अस्थि, दारू और लता, ये घाती कर्मों के नाम। अघाती कर्मों के प्रशस्त प्रकृतियों के ऊपर से नीचे अमृत, शर्करा, खांड, गुड़। अप्रशस्त प्रकृतियों के हलाल, विष, कांजीर, नीम, ये हमने नाम देखे थे। अभी ये एक एक जो नाम है उसमें अनंत अनंत स्पर्धक होते हैं, वो एक एक में। अभी ये क्या होता है, इसमें इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग जो है, जो मैक्सिमम बांधा था उसमें तो वो अनंतवा भाग होते चला जाता है। अनंत अनंत स्पर्धक पड़े हैं उसमें से, तो उसमें से कटौती होती, अनुभागों की कटौती होने जाती है और वो अनुभाग मंद मंद होकर उदय में आने लगता है।
अब आगे देखते हैं तो इतनी कंडीशन होती है क्षोभम लब्धि में। तो हमने कभी तो ऐसा सुना हम संगी पंचेंद्रिय है तो हमको क्षोभम लब्धि है कि नहीं है। क्षोभम अलग बात है, क्षोभम लब्धि अलग बात है, क्योंकि क्षोभम तो हमने देखा था यहाँ अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घट रहा है और आगे उसके आगे चलकर हम देखेंगे कि वहाँ पर भी उसके शुभ राग भी होते चले जाएंगे उसी समय में उसी काल में, क्योंकि अप्रशस्त कर्मों का यानी चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी का भी अनुभव घटकर उदय में आ रहा है, नेचुरली उसके शुभ राग रूप प्रवृत्ति चलेगी वहाँ पर, ख्याल में आती है ना वह। तो शुभ राग रूप प्रवृत्ति होती है यहाँ पर। तो ये जो क्षोभम जो है, क्षोभम तो तीव्र मिथ्या दृष्टि को भी होगा कि नहीं होगा, और क्षोभम लब्धि तो इस काल में कहते हैं कि जो कुछ मंदता है उसके और अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घटकर उदय में आ रहा है। अकेला क्षोभम तो सभी जीवों को है, क्षोभम लब्धि तो अंतर्मूर्त वो भी सम्यक तो होने के पूर्व की बात है, वहाँ पर होती है। क्षोभम तो बना रहता है थ्रू आउट, संगी पंचेंद्रिय है तो जन्म से क्या गर्भ से वो संगी पंचेंद्रिय कहलाएगा, मरण तक बेहोश हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, तो क्या संगी पंचेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय हो जाएगा क्या, एकेंद्रिय हो जाएगा। तो उसका उतना क्षोभम है वहाँ पर, कर्मों में तो वैसी अवस्था चल रही है तो उसको क्षोभम तो है, संगी पंचेंद्रिय भी बना है, नींद में भी होगा। तो क्षोभम बात अलग है और क्षोभम लब्धि बात अलग है। मात्र संगी पंचेंद्रिय हुआ तो क्या हुआ, जैसे हमारे संगी पंचेंद्रिय सब हमें जितने मनुष्य मालूम है, जितने हमें वेल तीर्यंश हमारे आजू बाजू में है, वो सारे संगी पंचेंद्रिय तो है, तो उन सारों की क्षोभम लब्धि चलती होगी क्या अभी वर्तमान? नहीं, क्योंकि ये तो परिणामों में तो संक्लेश विशुद्धि बनी रहती है, तो संक्लेश के काल में ये क्षोभम लब्धि नहीं कहलाएगी। ये तो सामान्य ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है अभी, अभी तो उसके देशना भी नहीं मिली, ऐसे जीवों की हम बात करें, देशना मिलने के बाद भी क्षोभम लब्धि किसको होती है उसकी बात अभी करेंगे हम। देखो अभी हम 68 पेज पर आते हैं, जहाँ क्षोभम लब्धि वाला प्रकरण शुरू है ना, उसका दूसरा पैराग्राफ। क्षोभम शब्द से अब तुम परिचित हो, हम आप सब परिचित हैं ना, 50 नंबर के पेज पर हमने देखा था कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, उसको क्षोभम कहेंगे। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है कल, तभी लगा था कि ये क्यों क्या चल रहा है, स्पर्धक क्या है, सर्वघाती क्या है, देशघाती क्या है, प्रकृति क्या है, तो वो अभी काम में आने वाली बात है। तो कहते ज्ञान के उघाड़ को क्षोभम या क्षोभम ज्ञान कहते हैं, वो तो एकेंद्रिय के भी है, सबको है क्षोभम, तो सबको है क्षोभम। कर्म की अवस्था का भी नाम है जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का क्षोभम कब से है, अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है और वे 12वें गुणस्थान तक तो इनका क्षोभम होगा ही होगा, वहाँ तक क्षोभम ज्ञान है, क्षोभम वो दर्शन चल रहा है और वो वीर्यादि के भी क्षोभम चल रहा है। तो क्षोभम कोई नई चीज़ नहीं, वो अनादि से चली आ रही है, और क्षोभम लब्धि अलग बात है। मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान से क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान तक और एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय जीवन तक सब में इन कर्मों का क्षोभम पाया जाता है। वो मिथ्या दृष्टि हो समय दृष्टि हो उससे कोई फर्क नहीं है, उसमें इन कर्मों का कौन सा, ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय का। क्षोभम नामक सम्यक तो भी है जो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक पाया जाता है, क्षोभम चारित्र भी होता है। हमारी बात क्षोभम की नहीं अपितु क्षोभम लब्धि की है, यह चर्चा अपने लब्धि की चल रही। क्षोभम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है, परंतु संगी पंचेंद्रिय होना अर्थात ज्ञान का इतना उघाड़ होना क्षोभम लब्धि नहीं कहलाती, ये मुख्य बात है। कहीं कहीं जहाँ सामान्य कथन होता है कुछ, यहाँ तो हम बहुत विस्तार से बात देख रहे हैं, कहीं ऐसा हो कहते संगीत्व,
यानी संगी पंचेंद्रिय प्राप्त हुआ वो उसकी क्षोभ संलब्धि में गिन देते, वो तो बिल्कुल सामान्य स्थूल प्राथमिक जीवों के लिए ऐसे कहने की पद्धति है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसा बताया है, संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त हुआ। उन्हीं टोडर में जी साहब ने ये लब्धिसार ग्रंथ लिखा है और यहाँ उन्होंने उसको विशेष खोला है, ख्याल में आती है ना बात। हाँ, तो क्षोभसम लब्धि की हमने अभी परिभाषा देखी, क्या देखी, ज्ञानावरणादि समस्त प्रशस्त कर्मों का अनुभाग जिस काल में प्रति समय अनंत वे भाग होकर यानी अनंत गुणाहीन होकर उदय में आने लगता है, उस काल में उस जीव के क्षोभसम लब्धि होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 69 लास्ट पैराग्राफ। अब क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि इन दोनों में जो अंतर है वह तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। क्षयोपशम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है। अब क्षयोपशम लब्धि में जो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटेगा वो मिथ्यात्व में भी होगा, उसका भी अनुभाग घटेगा, वो तो देशघाती तो है ही नहीं है। हाँ, वो सर्वघाती चेंज होकर देशघाती नहीं होने वाला मिथ्यात्व, मन वो शैल और अस्थि वाले है उसका तो अनुभाग मंद हो सकता है, उसमें हीनादिकता होती रहती है। क्षोभसम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है, वह कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों के अप्रशस्त कर्मों में होता है। 70 पेज पर आना। क्षोभसम तो देशघाती कर्मों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है, यानी जिस जीव का जितना ज्ञान का उघाड़ है उतना तो बना रहता है, उतना तो उसका उदय चलेगा। और क्षोभसम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। क्षोभसम तो निरंतर वर्तता है, नींद में बेहोशी में भी कायम रहता है, परंतु क्षोभसम लब्धि तो अंतर्मूर्त मात्र होती है, जागृत अवस्था में होती है। क्षोभसम तो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के देशघाती प्रकृति में पाया जाता है, ये अभी हमने सिद्ध किया था जब उसकी बात की थी। परंतु क्षोभसम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्रमोहनीय कर्मों का अनुभाग भी अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है। अभी यहाँ अनंतानुबंधी आदि का उदय चल रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव है और वो तो सर्वघाती है, देशघाती है ही नहीं है, फिर भी उनका अनुभाग भी अनंत गुणा हीन होकर उदय में आएगा। नहीं तो वो तो मात्र वो ज्ञानावरण दर्शनावरण होगा, इसका नहीं होगा तो कैसे चलेगा। यहाँ तो विशुद्धि लब्धि होने जा रही, उसी काल में विशुद्ध लब्धि होती है, उसका कारण भी यही पर विद्यमान है। उसको हम कुछ रीजन से नहीं शुरू होती है, ऐसे ही होती है। हाँ, उसमें बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक में कुछ तत्व जिज्ञासा भी हो सकती है। अभी हमने ऐसा जीव लिया है कि जिसने देशना नहीं सुनी है, पर जिसने देशना सुनी है और जब अभी सुनी है और चलकर अपने कार्य में लग जाता है, जिस काल में वो तत्व विचार करता है वो समय वो क्षोभसम लब्धि विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि प्रायोगिक लब्धि सब एक साथ शुरू होती है। अभी तो हम उसको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, ये तो सामान्य से जो सात आदि का यह शुभ परिणाम अशुभ परिणाम तो ऑर्डिनरी किसी भी जीव को होते हैं, एकेंद्रिय के भी होते रहते हैं। यहाँ आगे चलकर हम देखेंगे सात आदि के बंध रूप परिणाम होते हैं, परंतु यहाँ वो लब्धि के प्रकरण में जब लेना है, क्योंकि आगे चलकर ये समय दृष्टि होने जा रहा है, ऐसे जीवों की बात यहाँ लिए। समय दृष्टि नहीं भी होगा, अभव्य भी होगा, तो भी वो तत्व सुनकर तत्व के बारे में कुछ सोचेगा, उसमें विचार करेगा। हाँ, वो स्वसन्मुख नहीं होगा, करण लब्धि में नहीं जाएगा, ऐसे जीव को लेना है यहाँ पर। यानी अभी वो इससे अभी तत्व के साथ इसको अभी से नहीं लगाना है, अभी उसने देशना जिसको नहीं मिली ऐसा जीव लिया, बाद में हम सबको इकट्ठा ले लेंगे। बहुत से जीवों को होती है, बिल्कुल होती भी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सामान्य से अभी जो नरक में पड़ा है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर भी प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने वाले सातवें नरक में असंख्यात जीव है, एट ए टाइम भी आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव वहाँ भी एट ए टाइम प्रथम ऑप्शन समय तो प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें क्या होती होगी बात वहाँ पर। हाँ, कोई तत्व सुनाने वाला भी तो है ही नहीं है। हाँ, अभी वहाँ जो कोई तत्व संबंधी उसको या भाव भाषण या जो कुछ पर पहले सुनी हुई देशना वगैरह उसके बारे में जो कोई विचार चलता है, वेदना के काल में विचार नहीं है ऐसा क्यों,
हम जैन ही विचार करते हैं, ऐसी थोड़ी बात है। अन्य मति भी कुछ विचार तो उनके होंगे कि नहीं, अरे मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है, ऐसी भी रुचि है। हाँ, ये होती सकती बात कि उनको सही उपदेश नहीं मिला है, परंतु ऐसे रुचि वाले जीव हमने आपने देखे होंगे कि नहीं, लौकिक में हम देखते हैं कि उनको भी जानने की रुचि है कि अरे मैं कौन है, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे वो उसके बारे में कुछ शब्द नहीं जानते, तो इतना जानते कि हम परमेश्वर को बैठना चाहते हैं या कुछ भी नाम देते हैं उसको, उनको सही तत्व का अभ्यास नहीं है, परंतु अंदर कुछ ना कुछ रुचि है कि मैं मुझे अपना स्वरूप जानना। जब उनको सही उपदेश मिलता है तो हाँ दिस इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, और मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसे मिलते हैं बहुत से लोग, हम ट्रेन में सफ़र करते तो कितने ऐसी सहज रूप से चर्चा निकलती है और कितनी गहरी चर्चा तक चले जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, उनको भी इस विषय में अध्यात्म के बारे में कुछ रस होता है, अंदर से जानने की जिज्ञासा तो होती है हर जीव को। ये कोई जैनियों की ही होती है ऐसी थोड़ी है। और यह अभी हमने कौन सा अनगार धर्मावृत पढ़ा ना, उसमें बात है ना जो भद्र मिथ्या दृष्टि का, ये जरूरी नहीं कि जैन कुल में जन्मा हो और कोई ऐसी रस दिखाता है, कुछ सुनने की उत्सुक होता है, तो ये तो पात्र है जीव। कितने जैनी होकर भी ऐसे अपात्र है, वो खाने पीने का तो छोड़ ही दो, परंतु उनको तो तत्व के प्रति द्वेष अरुचि जैसे हो गई है, ये बात भी नहीं सुनना चाहते, वो तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है। और कोई अन्यमति भी हो सकता है कि उसको ये कोई जिज्ञासा है, अरे मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरे डिस्पेंसरी के सामने एक मोहम्मेडन आदमी था, उसको मैंने ऐसे ही जगह दी थी, वो मोटर मैकेनिक था, और जब मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आता रहता था तो आके बैठता था सामने, क्योंकि मेरे तो वहाँ पर भी पढ़ना बिढ़ना सब चलता था। तो आप क्या पढ़े हमको भी बताओ ना, मोहम्मेडन तो धर्म का इतना कट्टर होता है फिर भी उसको इतनी रुचि है, हमारे में तो ऐसे, आप तो बताओ क्या है, आप तो इतना पढ़ती है, तो ये आत्मा क्या है क्या है, ये सादी सीधी शब्दों में उसको भी बताते थे तो इतनी रुचि हो जाती थी उनको। ये जैनियों के होती है ऐसी थोड़ी है, ये अपनी जैन तत्व परिचय पुस्तक इतने अजैनों ने पढ़ी है, उसमें क्रिश्चियन है, मोहम्मेडन है, पारसी लोग है, और क्या क्या कितने कितने लोग हैं, और बिल्कुल रुचिपूर्वक सुने। कितनों ने तो ये अपने यहाँ चंद्रकांत भाई झवेरी है ना, दादर में रहते, उनके पड़ोस में कोई कोली लड़की है फिशरमैन, तो उसने इनके माँ से वो पुस्तक लेके पढ़ी, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं लिखा ये मत खा वो मत खा, उसमें तो केवल तत्वों की चर्चा है, तो उसने वो नॉन वेज छोड़ दिया, तो उसके घर के लोग लड़ने को आए, आपने क्या सिखा है, हमारी तो रोज़ मच्छी बनती और आपने इनको तो मांसाहार छुड़ाया, नहीं हमने कुछ नहीं किया, उसने वो पुस्तक लेके गई और वो पढ़ के उसने अपने आप नक्की किया है। ऐसे एक दो थोड़े ही है, बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो ऐसे भी पेशेंट मिले कि तो सीवियर कैंसर के थर्ड स्टेज में है और आके ये देखो ये फाइल है, टाटा में से आए हम, अभी हमको थोड़ा उपदेश दे दो। मैंने कहा मैं क्या आपको दे दो, आप तो कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट को बता क्या है, वो उपदेश नहीं चाहिए हमें, आपकी भाषा में हमको बताओ अभी क्या है। उनको पता था कि हम इसी अध्यात्म की बातें करते हैं, तो उनको तो बता दिया कि कैसे क्या है, तो ये तो देह हम नहीं वगैरह सामान्य बातें उनसे की, 15-20 मिनट जितना कुछ आधा घंटे बोली होगी मैं, तो फी दे के चलने लगे। अरे फी काहे को दे रही हो, मैंने आपको कंसल्ट थोड़ी किया, नहीं नहीं जो कंसल्ट किया उससे बहुमूल्य उपदेश आपने, अभी मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई डर नहीं कैंसर का। जो तत्वज्ञान आत्मसात करता है उसका इतना बल आता है, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर अमेरिका के, वही भाई वोरा अंजुबेन थी, कैंसर हुआ था तो इतनी दृढ़ अंदर से, इतनी दृढ़, ये तो क्या ऊपर का, वहाँ तो हम गए थे क्यों, ये हमारे है अतुल भाई, वहाँ कीमोथेरेपी लेके आती थी और 6-6 घंटे हमारे अटेंड करती थी, कितनी उसमें वीकनेस आती है क्या होती है, और वहाँ उस इंटरनेट पर वो सारा रिले होता था तो वहाँ पर भी उनको 1 घंटा कुछ पोस्टपोन किया उनके अपॉइंटमेंट, तो वहाँ पर भी वो उसको सुनती थी यूट्यूब के ऊपर। यानी जिसको रुचि, वो ज़रूरी नहीं कि देखो इसकी ये जो जिज्ञासा है यही काम करती है, और इस काल में ये कर्मों में बहुत सारे अवस्थांतर होते हैं, बहुत होते हैं। ये तत्व की बात ऐसी गजब की है, तो इसको हम सुनते भी हैं तो भी कितनी बातें बनती हैं, और वो समझ कर उसको हम अगर
तत्व का निर्णय करने चले जाते हैं तो ये बात सहज रूप से होती रहती है। इसी की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। देखो क्षोभशम तो हाँ, देखो यहाँ हम 70 पेज पर पढ़ रहे थे, यहाँ तो ये भी बात लिखी है कि जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, जैसे शैल वगैरह वाले उदय जिनका चल रहा है, ऐसे जीवों को तो उपदेश देने के भी पात्र नहीं। हम जो दान देते हैं वो भी पात्र को देते हैं, ये उपदेश जो दिया जाता है वो भी पात्र को देख कर दिया जाता है। हमने उसकी बात की थी, नहीं तो वो तो अपने पर ही विघ्न कर सकता है ना। जिसको रुचि नहीं है तो उसको ये अच्छे नहीं लगते। हाँ, विषय कषाय उसको अच्छे लगते। हम तेल रखते उबालने को, ये सब महिलाएं बताएंगी हमको, तो उसमें क्या पानी डालते क्या थोड़ा ठंडा होने के लिए? नहीं, क्या होगा? तड़तड़ उड़ेगा। ऐसा ही मिथ्या दृष्टि, तीव्र मिथ्या दृष्टि, जिनवानी रूपी शीतल अमृत उसको पिलावे तो तड़तड़ उठता है। अरे उसमें वो पकोड़े वाला डाल दो तो अच्छे भजिया तल के ऊपर आती है पकोड़े। ऐसे उसको विषय कषाय की बातें सुना दो तो अपने खर्चे से आपको सभी वो विषय कषाय की बातें साधन उपलब्ध करा देगा, परंतु जिनवानी उसको नहीं रुचेगी, नहीं सुहाएगी। हाँ, क्योंकि उसकी देखो उस जीव की अभी ऐसी पात्रता नहीं है, उसको देख देख कर हम कषाय नहीं करना है। उस जीव की अभी ऐसी योग्यता है, उसके अपने कारण से उसका वैसे ही बंद भी होगा। वैसा जिस समय उनकी काल लब्धि आएगी हम कहेंगे, तो उस समय वो सहज रूप से उसको उपदेशदाता भी मिलेगा, वो ज्ञानी आपको चिंता है ना, ज्ञानी कैसे मिलेगा, ज्ञानी भी मिलेगा, सब कुछ होगा। जिसकी योग्यता होती है वो सहज रूप से उसकी अपनी योग्यता अनुसार वो पर्याय उस समय प्रकट होती ही होती है। चिंता की बात ही नहीं, निश्चिंत होने की बात है। हम तो ज्ञानी की चिंता में व्यग्र हो रहे अभी, वो तो देशना लब्धि में हम देखेंगे। हाँ देखो, हम 70 पेज तो हमने बता दिया आपको वहाँ क्या लिखा है। हम 71 पेज पर आते हैं। देखो वे आज माने या कुछ काल पश्चात माने, जो तीव्र मिथ्या दृष्टि की बात है, आज तो नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे, कुछ पश्चात काल के बाद मानेंगे, परंतु सच्चे मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझे बिना, आत्मा का स्वरूप समझे बिना, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझे बिना। स्वरूप समझना है, उसका निर्णय अपने बुद्धि में करना है। सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चा शास्त्र क्या है, इसका निर्णय अपनी बुद्धि में अपने लिए करना है, अपनी मान्यता को जांचना है। वो थर्मामीटर लगा के दुनिया में नहीं भटकना है कौन सच्चा है कौन खोटा है। हाँ, तो उसके बिना सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और जन्म मरण के फेरों में से छुटकारा नहीं होगा। अब हम ये क्षोभशम लब्धि के काल में क्या होता है, ये जो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुणा घट कर यानी अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है, तो मिथ्या तो कैसी प्रकृति है, तो सर्वघाती प्रकृति है। उसमें शैल, अस्थि और दारु बहुभाग तीन प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। वो अनंत अनंत होते हैं, पर उसके हमने नाम तीन बताए। क्षोभशम लब्धि में उनका अनुभाग अनंत गुणा घटता जाता है, फिर भी उसे मिथ्या तो प्रकृति का क्षोभशम नहीं कहते। ये हमने पहले ही घटित किया था। क्षोभशम तो जहाँ सर्वघाती देशघाती स्पर्धक होते हैं, ऐसे देशघाती प्रकृतियों में होता है। इसको हम मिथ्यात्व का क्षोभशम हो ऐसा नहीं कहेंगे, मिथ्यात्व का अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है ऐसा कहेंगे। क्षोभशम लब्धि के काल में ज्ञानावरण आदि के साथ इनका भी अनुभाग अनंतवा भाग हो होकर उदय में आता है। है तो सर्वघाती। अभी क्षोभशम लब्धि की क्या बात, करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय रहेगा। हाँ, परंतु उसका अनुभाग अत्यंत हीन हीन होते चला जाएगा आगे आगे चलकर। यहाँ से तो शुरुआत है। नहीं नहीं, सभी अप्रशस्त ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियाँ। हाँ, उदय जो है
अभी केवल ज्ञानावरण का तो सर्वघाती तो देशघाती नहीं होने वाला है, परंतु सभी कर्मों का जो उत्कृष्ट अनुभव होगा जो सत्ता में पड़ा हुआ, वो हीन होता चला जाता है। नेचुरली उसकी वो ज्ञान के प्रति भी जिसको हम कहेंगे ना, उसमें ज्ञान में अगर वो देशना सुनता है तो पकड़ने की भी क्षमता होगी कि नहीं उसके, या सुनी हुई देशना को जब विचार में लेता है तो उस काल में ज्ञान खिल रहा है उसका। हम पहले अरे अभी हम बूढ़े हो गए, अभी हमने कुछ सुना नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझता है, पहले हम उसको ब्लॉक आउट कर देते हैं, हम नहीं समझने वाले ये पहले ही नक्की करके बैठते हैं। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अरे केवल ज्ञान लेने की यहाँ पात्रता है, ये तो ऑर्डिनरी बात है, उसमें कुछ नहीं बात है। पहली बार सुनते तो लगता है हमने कुछ नहीं समझा, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते इसलिए लगता है कि हमने कुछ नहीं समझा, पर समझा है ज़रूर। हमारा बालक घर में जन्मता है, कौन सी भाषा लेकर आता है? कोई नहीं। अभी कंटाल गए ना, एक स्टोरी सुनाती हूँ। हम 96-97 की बात है, पूना में हम हर 2-3 महीने में शिबिर करते थे, दोनों मिलकर 8-8 घंटे पढ़ाते थे वहाँ। ये आए हो गए यहाँ कोई पूना के, तो वहाँ क्या हुआ, ये ऐसे उदाहरण दे रहे थे, वहाँ एक स्टोरी सुना, ये नहीं एक उदाहरण बताया। हमें तो लड़का नहीं है, 2 लड़कियाँ हैं, तो हमने नक्की किया एक लड़का गोद लेंगे। किसके लिए? आ बैल मुझे मार। तो क्या किया हमने, हमें लड़का तो लेना था, तो हम अनाथालय पहुँचे। उस अनाथालय में मैंने बहुत सारे लड़के देखे, तो एक लड़का हमें बहुत पसंद आया, बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा था, आंखें वगैरह ऐसे चमकदार थी, तो हमने नक्की किया इस बच्चे को हम गोद ले लेंगे। तो सब उनको पूछताछ वगैरह की, पर एक प्रॉब्लम थी, ना साल का नहीं, वो तो 4-6 महीने का था। एक प्रॉब्लम थी, वो मद्रासी बच्चा था। तो हम दोनों ने नक्की किया इसको तो ज़रूर गोद लेना है, अभी पहले हम मद्रासी भाषा सीखेंगे, फिर इसको घर ले आएंगे, गोद ले लेंगे। तो हमने ठीक किया कि नहीं किया? क्यों? अरे हम जो भाषा बोलते हैं हमारे बच्चे वही भाषा सीख जाते। ये गुजरातियों के बच्चे गुजराती कैसे सीखते हैं? हमें मराठियों के बच्चे मराठी क्यों बोलते हैं? वो कन्नड़ वाले कन्नड़ पहले से वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कन्नड़ ही सीख लेते हैं। जो भाषा हम बोलते हैं हमारे बच्चे वही भाषा सीख जाते हैं। वो हमारे बच्चा कितना साल का होने के बाद हम उनसे बातें करना चालू करते हैं? बोलो। अरे अभी जन्मा है तभी उसकी शादी तक ले आते हैं, क्या क्या लाएंगे, क्या गजरा झूलेंगे, क्या क्या घोड़े हाथी सब लाएंगे, उसकी बारात तक लेके आते हैं, उसके साथ कितनी बातें करते रहते हैं, वो बातें सुनता रहता है, बोलता नहीं, परंतु जब बोलना चालू करता है 6-8 महीने में 10 महीने रुकता नहीं है। जो सुना है उसी को वो फिर, क्योंकि वो समझा था कि नहीं समझाता, अरे 1 महीने का बालक क्या, 15 दिन का बालक क्या, भी उसके सामने हम कितनी बातें बोलते हैं उसके, वो समझते सुनते समझने लगता है। ये भी शास्त्र की बात है, हमें ऐसा लगता है हम कुछ नहीं समझे, सुनोगे तो समझेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सुनते जाएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे, अब जरूर समझेंगे। हम तो समझ रहे हैं, बाकी लौकिक में स्कूल में हम कितने, अभी रोज के 8 घंटे पढ़ते, 6-8 घंटे तो घर में आके फिर पढ़ाई करते थे, फिर उसको दोहराते थे, रटते थे, फिर वो तो परीक्षा देते थे, ये तो इतना किया तो 1 डिग्री मिल गई, 25 साल के हुआ, 30 साल का हुआ, तब जाके उसका कुछ, अभी डिग्री मिलने से तो पैसा नहीं कमाया, फिर बाद में उसमें और मेहनत की, है ना। और ये मोक्ष हम चाहते हैं, उसके लिए कितने घंटे पढ़ते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, और हमको तो मोक्ष चाहिए और सम्यक दर्शन चाहिए, इसकी बाकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे, अभी यहीं रुकेंगे हम। बोलो 2400 भगवान।